क्या चल रहा है रवीश के अंदर, आप कैप्चर कर पाए, क्या पता चला आपको? मैं रवीश को एक टायर्ड हीरो की तरह देखता हूँ। जब फिल्म की शुरुआत थी, ही वाज अ टायर्ड हीरो। इन्होंने एक बेहतर समय देखा, इन्होंने एक बेहतर प्रोफेशन देखा। रवीश अपने शो पे कह रहे थे कि वैसे भी आप लोग मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं कम से कम उतने ही सुन ले, पता नहीं कौन सुनेगा। इन जर्नलिज्म हम देख रहे हैं कि अपने काम की वजह से, हमने जुबैर को देखा, जुबैर वॉज इन जेल, रुपेश कुमार सिंह है झारखंड के, मतलब ये कुछ पत्रकार हैं, आसिफ सुल्तान हैं, कई सारे लोग उस समय पर जेल में हैं और सजा काट रहे हैं, उनको ट्रायल भी नहीं मिल रहा है। Have you tried to address this in your film? This is not a film wherein you see him and you go like, wow, क्या रविश है, क्या मस्त है, हम सबको जर्नलिज्म करना ही है। ये वो फिल्म नहीं, क्योंकि ये वो दौर नहीं। ये एक बड़ा पजल है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्दी कुछ सॉल्व होके आई शुड बी एबल टू ब्रिंग इट टू इंडिया सून। दिस साउंड्स एब्स्ट्रैक्ट आई नो, पर मेरे पास मुझे जितना दिखाई दे रहा है उतनी मैं बात कर सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि हाँ नजदीक जल्दी आ जाएगा गाँव, उस टाइप का।